ये आईना बड़ी हैरत से देखता है मुझे। कोई तो है जो मोहब्बत से देखता है मुझे। गरीब मैं हूं मगर दिल मेरा गरीब नहीं। गरीब मैं हूं मगर दिल मेरा गरीब नहीं। मेरा पड़ोसी भी इज्जत से देखता है मुझे। गरीब मैं हूं मगर दिल मेरा गरीब नहीं। मेरा पड़ोसी भी इज्जत से देखता है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे फारूक जमन साहब के शहजादे हैं भाई अयान, जिनकी मोहब्बत में मुस्तक मिली, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई तो है जो मोहब्बत से देखता है मुझे, या आईना बड़ी हैरत से देखता है मुझे। गरीब मैं हूँ मगर दिल मेरा गरीब नहीं। मेरा पड़ोसी भी इज्जत से देखता है मुझे। आज के इस मुशायरे में, मुशायरों की हद तक, मुशायरों की महफिल में बेपना मकबूल आम जो लहजा है वो अली जनाब गाजी असर साहब का लहजा है। सरजमीन उमर खेल ने बहुत सारे नादिर और नायाब हीरे जवाहरात ज़बान व अदब को दिए हैं। उनमें से मुशायरों की दुनिया में बहुत बाकमाल लहजा अली जनाब गाजी असर साहब का है। आप ज़ोरदार तालियों से इजाज़त दें गाजी असर साहब को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। मुझे अब कोई तमीज बांधने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। क्योंकि मैंने आसे गांव वालों को ठानेदार की शक्ल में पढ़ लिया हूँ। अच्छा है। कैसे पढ़ लिया हूँ कि आपने किसी भी शायर के साथ नाइंसाफी नहीं की तो मेरे साथ नाइंसाफी करने का सवाल ही पैदा नहीं। यहाँ से मैं शुरू होता हूँ। आइए, अरे जमील भाई मेरे साथ बड़े अच्छे मुखलिस लोग जो इंदौर से आए हैं, जनाब मोहम्मद फिरोज सर। जी जी, सदर साहब की इजाज़त से। नहीं, मेरे साथ भी कुछ लोग बड़े शहरों से आए जो आपसे मोहब्बत रखते हैं। मोहम्मद फिरोज साहब है, नवेद सर है, हमारे साथ में सोहेल साहब और असलम साहब हैं, उन्हें सलाम करता हूँ। आइए, मैं इतने शोरा ने बार बार कहा, अंजुम साहब ने आपसे ऐसा माहौल बना के दिया है कि ऐसा लग रहा है कि मुशायरा गोया मुझे लगता है कि दुबई में हो रहा है। एक माहौल बना हुआ है और डेरिंग से शायर भी पढ़ रहे हैं। अकील साहब को सुनना आपने, इस बात की मिसाल है। अंजू साहब ने बड़ी अच्छी तमीज बनाई थी। मैं भी नाज़िम मुशायरा, मुझे इसका तजुर्बा है। वाहिद भाई का मैं बहुत एहतराम करता हूँ। बहुत सारे मुशायरे में ज़िया भाई, वाहिद भाई, हम मुनीब डॉक्टर साहब पढ़ते हैं, तो मुझे इस बात की ज़मानत मिल गई कि जिस इलाके में हम इलाका शायर को पढ़ा सुना जाता है, तो यूं समझो कि वहाँ अदब डबल जिंदा। बहुत अच्छे भाई। और मैं ऐसी भी एक देहात के मुशायरे में जाने का इत्तेफाक हुआ हमको नवेद सर को, डॉक्टर मुनीब भी मेरे साथ थे, उस शहर का नाम है हदगांव। पहली मरतबा अंजुम साहब हम मुशायरा पढ़ने गए 1 मई के दिन में, यूँ में महाराष्ट्र के दिन, तो शायर ने शेर पढ़ा और दाद आई वापस। तो हम परेशान हो गए, वापस क्या है? तो डॉक्टर मुनीब साहब को कहा कि मैं जमील भाई ये क्या बात है, तो उन्हें कहा कि मुकर्रर बोलते बोले इसको वापस। तो लेकिन उस तरह का बंजर माहौल मुझे आसे गांव में नहीं नजर आया। मैं आपको सलाम करता हूँ। बिल्कुल, एक मुशायरे में इत्तेफाक था कर्नाटक के नवेद साहब हमको कि हम मुशायरा पढ़ने गए, लेकिन एक इलाके से बड़ी अच्छी दाद आ रही थी। वाहिद अंसारी साहब के साहब जैसे सीनियर शायर ने कहा कि वो जो खाना है वो बहुत दादो तहसील का जरखेज नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसे सभी खाने यहाँ नज़र आ रहे हैं जो जरखेज है, कोई ऐसा खाना नहीं जो बंजर है। तो आइए बात यहाँ से शुरू करते हैं। बार बार अंजुम साहब ने आपसे तालियाँ भजवा कर ली, लेकिन मैं शोरा से गुजारिश करता हूँ कि इस सामाइन के लिए आप तालियाँ बजाइए, इस सामाइन का एहतराम है। आइए मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। अकील हमारे सागर साहब ने, मुख्तार सागर साहब ने बहुत अच्छा मुशायरा सजाया। मैं उनके जो फर्जंद हैं उनको सबसे पहले तमाम शोरा की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। क्या बात, ये भी किसी शायर ने कहा नहीं। अब मुशायरे में हम आए, हमारा काम है उन्हें मुबारकबाद भी देना चाहिए। आपने तो दे दिए वलीमा खा के, लेकिन हम सब के तरफ से भी उन्हें मुबारक। और आइए, ये चार मिसरे मुख्तार सागर के नजर करता हूँ मैं ठानेदार साहब, और यहाँ से बात शुरू करता हूँ। इरशाद के लफ्जों को वो जुमलों में जोड़ देता है। डॉक्टर साहब, लफ्जों को वो जुमलों में जोड़ देता है, जुल्म व सितम को भी तोड़ देता है। लफ्जों को वो जुमलों में जोड़ देता है, जुल्म व सितम को भी तोड़ देता है। और अजीब शख्स है ये यारो, जो मोहब्बत से सबको अपनी तरफ मोड़ देता है।
जी जी पढ़ता हूँ जी, लफ्जों को वो जी पढ़ रहा हूँ, लफ्जों को वो जुमलों में जोड़ देता है, लफ्जों को वो जुमलों में जोड़ देता है, जुल्म और सितम को भी तोड़ देता है, और अजीब शख्स है यारो जो मोहब्बत से सबको अपनी तरफ मोड़ देता है। बहुत अच्छे गाना साहब का, मुझे मालूम हुआ कि रिटायरमेंट होगा और उन्होंने यहाँ अब यहाँ से अचलपुर उनको जाना है, लेकिन उन्होंने मोहब्बत से आपकी तरफ आप सबको मोड़ दिया है। साबिर भाई तवज्जो चाहूँगा कि नौजवानों के दिल की भी कुछ बात हो, उनकी नुमाइंदगी करता चलूँ। मेरे इब्तदाई शेर साबिर भाई और हमारे वाहिद अंसारी साहब इस बात की जमानत है, ये मिस्रों को बहुत सलाम मिला है कि सबको मंजिल मिली मैं ही चलता रहा, सबको मंजिल मिली मैं ही चलता रहा, सबको मंजिल मिली मैं ही चलता रहा, हौसला था तो गिरता रहा संभलता रहा। अच्छा है वाह, नौजवान तवज्जो दे, आपके दिल की बात करने की कोशिश की हूँ मैंने कि सबको मंजिल मिली, अभी वक्त भी बहुत होगा, रात का एक बज रहा है, ये शेर जरूरी होता है कि सबको मंजिल मिली मैं ही चलता रहा, सबको मंजिल मिली मैं ही चलता रहा, हौसला था तो गिरता रहा संभलता रहा, और रात उसने भी गुजारी होगी तन्हाइयों में, रात उसने भी गुजारी होगी तन्हाइयों में, मैं भी तो करवट पे करवट बदलता रहा। अरे क्या बात है भाई, बाबा मैं भी करवट पे करवट बदलता। अरे बाबा देखो भाई, रात और करवट का सिलसिला आया तो सबके दिल खुश हो गए। खैर मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ, मेरे बाद बहुत शोरा है, मुझे थोड़ा पढ़ के जाना है। खैर लेकिन आपके जी शुक्रिया शुक्रिया जी, वो पढ़ लेता वापस। अरे क्या है, देखो जमील भाई रिजवान भाई हमारे साथ में MSCIT में पुणे में काम करते हैं, बाल भारती का मैं भी डायरेक्टर हूँ, डॉक्टर मुनीब भी डायरेक्टर है और रिजवान भाई भी है। उन्होंने हदगांव के मुशायरे का जुमला कहा, वापस कर रहा हूँ कि सबको मंजिल मिली मैं ही चलता रहा, वाह वाह वाह, सबको मंजिल मिली मैं ही चलता रहा, हौसला था तो गिरता रहा संभलता रहा, और रात उसने भी गुजारी होगी तन्हाइयों में, मैं भी तो करवट पे करवट बदलता रहा। आइए सामिन, ये आपका माहौल देखकर मेरा दिल कहता है कि थानेदार के लिए भी मैं चार मिसरे कह लूं, मुक्ता सागर साहब, क्योंकि थानेदार का जो चेहरा, उसका चेहरे का जुग्राफिया अगर अच्छा लगता है तो समझना कि शहर में अमन है, और आसे गांव में तो हमने अभी, मैं मुनीब साहब चहलकदमी के लिए बाहर गए तो महसूस किया हमने कि आपके गांव में बहुत अमन में, उसका गुडविल आपको जाता है। तो ये हम सबकी तरफ से चार मिसरे आपको देता हूँ कि चाहत वाले शेर देता हूँ, जो मेरे इब्तदाई शेर थे कि हमको आपका चाहना चाहिए, हमको आपका चाहना चाहिए, आप हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। रिजवान भाई, हमको आपका चाहना चाहिए, आप हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए, और दिल ने पूछा तुझको क्या क्या चाहिए, दिल तड़प कर कहने लगा हमको सिर्फ आपका चाहना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छे भाई बाबा जी, मैं समझता हूँ मुकर्र से अब आगे बढ़ूँ। शुक्रिया शुक्रिया रिजवान भाई, आपका शुक्रिया। आइए जी, चलिए इस मिजाज के, एक मेरा मिजाज ऐसा बन गया कि हर मिजाज के यहाँ पे शेर बोले गए हैं जी जी, हर मिजाज को आपने पसंद किया, ये शायरों के लिए खुशनसीबी है, और मेरे हिस्से में तो बहुत अच्छा वक्त आया, अंजुम ने बड़ी मेहनत से मेरे लिए तमीज बांधी, मैं उनका एहतराम करता हूँ, वायद भाई को सलाम करता हूँ। एक मतला और एक शेर यूं है रिजवान भाई, अता करें, ये मिजाज से हटकर बात करने की कोशिश की, महसूस कीजिए, परचमे अमन को मंजर के हवाले कर दो, क्या बात है, परचमे अमन को मंजर के हवाले कर दो, शाख जैतून को लश्कर के हवाले कर दो, शाख जैतून को लश्कर के हवाले कर दो, ये दरबारे यजीदी में नहीं झुकेंगी, ये दरबारे यजीदी में नहीं झुकेंगी, मेरी गर्दन को भी खंजर के हवाले कर दो। वाह वाह, इसी सिलसिले के दो शेर आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं मुशायरा जी जी जी, के फर्ज वाजिब था जहां तक वो निभाया तुमने, फर्ज वाजिब था जहां तक वो निभाया तुमने, अब मुझे मेरे मुकद्दर के हवाले कर दो। आप बात है वाह, शुक्रिया शुक्रिया, अब मुझे मेरे मुकद्दर के हवाले कर दो, मैं उतर जाऊं सदफ तो
मैं उतर जाऊं सदफ में तो गोहर हो जाऊं, मैं उतर जाऊं सदफ में तो गोहर हो जाऊं। आबे इसिया हूं समंदर के हवाले। वाह भाई। आइए हजरात, मैं यहां से आपको मुकम्मल गजल एक दो चार शेर की, चार पांच शेरों की कह के इजाजत लूं। जी इनायत इरशाद, सुने दोस्तों गजल। जी जी गजल मुकम्मल। अरे जनाब मोहतरम गाजी असर साहब महफिल मुशायरा में अपनी शायरी से नवाज रहे हैं। बिल्कुल सामाइन हल्के फुल्के ने छोटी बहर में गजल है और नौजवानों को भी बड़ा मजा आएगा। गजल का पहला शेर यूं है, मतलब यूं कहा है कि सब अंधेरे निगलने वाला है, सब अंधेरे निगलने वाला है, देख सूरज निकलने वाला। जी शुक्रिया। सब अंधेरे निगलने वाला है, देख सूरज निकलने वाला है। और इस शेर पर जहां जहां तक आपकी शिरकत मैं तवज्जो चाहूंगा कि ऐ खुदा उसको हौसला देना, ऐ खुदा उसको हौसला देना, वो मेरे साथ चलने वाला। अरे बाबा, ऐ खुदा उसको हौसला देना, वो मेरे साथ चलने वाला है। और इस शेर पर तो आपकी बिल्कुल तवज्जो और तालियां चाहूंगा मैं कि मौसम भी इस तरह बन रहा है कि अब तो बरसात होने वाली है। अब बुजुर्ग अपने सदर मुशायरा है, मेरा इशारा उधर भी हो सकता है, आप इशारा महसूस कीजिए कि अब तो बरसात होने वाली है, अब ये दरिया उछलने वाला है। बरसात होने वाली है, अब ये दरिया उछलने वाला है। आइए सामने, बीच में हमने एनआरसी का बहुत माहौल सुना है, थानेदार साहब बड़ी मौजरत से कि हमारी कौम के अंदर सबसे बड़ी ये दिलेरी है कि हम बहुत ही डेयरिंग से जीते हैं कि हम प्लास्टिक चुनते हैं लेकिन हलाल की कमाई खाते हैं, एनआरसी वगैरह से डरते नहीं हम, क्यों डॉक्टर साहब? मैंने ये दो मिसरे कहे एनआरसी के पस मंजर में, महसूस कीजिए आप। और वाकई में मैंने आपके दिल की यानी तायद की हूँ, मैंने आपकी नुमाइंदगी की हूँ एनआरसी के पस मंजर में, तो मुझे दादो तहसीन से नवाजिए कि हम है मालिक किराएदार नहीं, हम है मालिक किराएदार नहीं। बिल्कुल, आप ताजमहल आगरा सब चले जाइए, हम है मालिक किराएदार नहीं, हम है मालिक किराएदार नहीं। कौन घर से निकलने वाला है? वाह, कौन घर से निकलने वाला है? हम है मालिक किराएदार नहीं। अभी भी 7-12 देखिए, अगर आपको इल्म में हो तो एक मैं मालूमात दे दूं कि एक बादशाह के पास में एक जो सो वजीर ने बहादुरी के बाद आया और बादशाह सलामत ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो बोले बादशाह सलामत पूरे हिंदुस्तान की 7-12 मेरे नाम पे कर दो, 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन। तो कहा कि ठीक है दे दिया। तो वह साहब के कहा कि दे दिया, तो देने के बाद क्या हुआ, मेरे एक दोस्त है, मेरा जब PhD कंप्लीट हुआ डॉक्टर साहब, तो वानखेड़े साहब मेरे पास आए, ठानेदार साहब मेरे दोस्त है, उन्होंने कहा कि मैं ई क्लास वर्ग पर PhD कर रहा हूँ। तो उनने किसी कहा कि भाई डॉक्टर गाजी असर भी अपने में इल्म रखते हैं वगैरह वगैरह, वो मेरे मुश्तका है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल भी हूँ, इस नाते मेरे पास आए वगैरह वगैरह, उन्होंने पूछा तो मैं आपको क्या चाहिए डॉक्टर साहब, तो कहा कि मैं PhD कर रहा हूँ ई क्लास में, ई क्लास वर्ग की ज़मीन होती है ना, आपको इल्म है इसका, तो इस विनवान पे ठीक है। मैंने कहा तो मैंने इस सरदार का वाक्या सुनाया कि बादशाह की जो सो जमीन जीत ली और बादशाह ने इनाम में कहा, पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो वजीर वो सरदार ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन 2 एकड़ 3 एकड़ मेरे नाम पर कर दी जाए। तो बादशाह ने कहा कि दे दिया। तो बादशाह ने देने के बाद क्या हुआ कि वो ज़मीन देने के बाद में आज हम जिसको देखते हैं और पूछते हैं तो मालूम होता है कि ई क्लास की ज़मीन, वो इखलास की ज़मीन नहीं है, उस सरदार का नाम था इखलास खान, तो इखलास की ज़मीन है वो, इखलास होते होते ई क्लास की ज़मीन हो गई। तो हम है मालिक किराएदार नहीं, कौन घर से निकलने वाला है। और ये मक्ते का शेर आपसे इजाज़त दूँ कि मेरी शोहरत से सभी खुश होंगे असर, मेरी शोहरत से सभी खुश होंगे असर, मेरा अपना ही जलने वाला है। अस्सलाम। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।